स्थान पर है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू की रोकथाम और जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बेहद संवेदनशील हैं। स्वाइन फ्लू से साल 2018 में 221 मौतें हुई हैं, वहीं पर साल 2019 में 3 दिन में 3 मौत जोधपुर में हो चुकी है। वहीं पर साल की शुरुआत में महज 3 दिन के अंदर प्रदेश भर से 88 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से सबसे अधिक केसेस 34 केस जोधपुर जिले के हैं। और राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ 18 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा ने यह बताया कि नई सरकार और स्वास्थ्य महकमा हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है कि स्वाइन फ्लू पर अंकुश लगाया जाए। डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण सामने आते ही तुरंत नजदीकी चिकित्सा केंद्र में पहुंचे, क्योंकि स्वाइन फ्लू का अगर समय रहते उपचार लिया जाए तो ये जानलेवा नहीं है। वहीं पर चिकित्सा मंत्री ने यह भी बताया कि जल्द चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ मिलकर अभियान चलाया जाएगा और स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत पर अगर लापरवाही सामने आती है तो तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। इस दौरान राजस्थान में स्वाइन फ्लू के असर के बीच हेल्थ मिनिस्टर ने टूरिज्म को लेकर कहा कि हम हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं कि स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण लाएं, फिर भी किस तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दिया जाए। प्रदेश भर में क्या कुछ हालात हैं स्वाइन फ्लू को लेकर, किस तरह से तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ अलर्ट यहां पर अस्पताल प्रशासन को दिए गए हैं, इस पर अधिक जानकारी के लिए जयपुर से आशुतोष और अजमेर से मनवीर और इसके साथ ही मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोटा से मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी को लगातार घेरने की कोशिश यहां पर स्वाइन फ्लू के मुद्दे को करते हुए नजर आ रही थी, अब कांग्रेस के सामने साथ ही प्रशासन के सामने स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि सर्दी ने दस्तक दे दी है और स्वाइन फ्लू का वायरस सर्दी में ज्यादा एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले प्रदेश में क्या कुछ हालात और उसके बाद क्या कुछ निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं तमाम अस्पतालों? आप देखिए पूजा, जैसे ही सर्दी का असर देखने को मिलता है आप देखेंगे कि लगातार स्वाइन फ्लू की जो केस हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। और पिछले साल की बात करें, साल 2018 और या उसको यूं कहें कि भाजपा के शासन की बात करें तो 221 मौतें हुई थी। कांग्रेस की अगर बात करते हैं, जो कांग्रेस का कैलेंडर शुरू हुआ है, जो डेटा शुरू हुआ है जोड़ने का, 3 दिन के अंदर 3 मौतें हो चुकी हैं, ये महज जोधपुर के अंदर हुई हैं। पूरे प्रदेश के अंदर कुल 88 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। चिंता की बात यह है कि तेजी के साथ जोधपुर में जो पॉजिटिव की संख्या है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मौतों की बात कर रहे हैं तो ये तीनों मौतें जोधपुर के अंदर हुई हैं। उसके बाद राजधानी जहां से सरकार चलती है वहां पे भी पॉजिटिव संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। जहां तक प्रयास की बात है, लगातार जो चिकित्सा मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, वो प्रयास कर रहे हैं अपने महकमे के साथ में कि किसी भी सूरत में स्वाइन फ्लू के जो लगातार मामले सामने आ रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए। अपनी टीम के साथ में बैठ के, अपने अधिकारियों के साथ में बैठ के उन्होंने जो बैठकें ली है, चाहे वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हो, एसएमएस अस्पताल के जो अधीक्षक है उनके साथ हो, और जो संबंधित अधिकारी उन सभी के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं और यही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही सामने आती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बड़ी बात, सबसे जो जिसकी जरूरत है वह है जागरूकता की, लोगों तक ये बात पहुंच पाए कि स्वाइन फ्लू अपने आप में कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बशर्ते इसका इलाज समय रहते अगर शुरू किया जाए तो, क्योंकि जनवरी का माह चल रहा है और ऐसे में बहुत ज्यादा जो मरीजों की संख्या बढ़ती है वो जनवरी में बढ़ती है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोगों तक ये बात पहुंचे, एक जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों तक कम से कम ये बात पहुंचे कि आप समय रहते जैसे ही कुछ लक्षण आपके सामने आते हैं आप नजदीकी अस्पताल में पहुंचे, जांच करवाएं और तुरंत उसका उपचार करें, क्योंकि स्वाइन फ्लू वैश्विक तौर पर देखा जाए तो कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा लेट अगर आप हो जाते हैं तो जानलेवा, इसीलिए समय पर इलाज मिले ये भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मनवीर का रुख कर लेते हैं, अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनवीर, स्वाइन फ्लू जानलेवा बीमारी नहीं है और जिस तरह से आशुतोष ने कहा कि जागरूकता सबसे अहम कड़ी है, स्वास्थ्य विभाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी स्वास्थ्य विभाग की हो जाती है जागरूकता को लेकर, क्योंकि शुरुआती लक्षण स्वाइन फ्लू के खांसी जुकाम ही होते हैं, तो ऑर्डिनरी खांसी जुकाम इसे ना समझकर लोग अस्पतालों तक पहुंचे, जांच करवाए, ये बेहद जरूरी हो जाता है, तो इसे लेकर क्या कुछ कोशिश स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब तक की गई है अजमेर में और वहां पर अस्पतालों में कितनी संख्या स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की?
देखिए पूजा, सबसे पहले अगर हालातों की बात करते हैं और आंकड़ों की बात करते हैं तो कल एक जो मौत है वो दर्ज की गई थी अजमेर में स्वाइन फ्लू से, लेकिन चिकित्सा विभाग का ये कहना है कि कुछ अन्य बीमारियों से भी ये मरीज ग्रसित था, इसलिए इसको पूरी तरीके से स्वाइन फ्लू से हुई मौत करार देना उचित नहीं होगा। उसके साथ साथ अभी चार मरीज इस समय जो अजमेर का जेलन हॉस्पिटल है उसके आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। इसी के साथ में जिले भर में लगभग 80 टीमें हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की, जो लगातार डोर टू डोर सर्वे कर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं। साथ ही साथ अजमेर सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है कि तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान बच्चों को और शिक्षकों को स्वाइन फ्लू के लक्षणों से संबंधित जानकारी दी जाए, साथ ही साथ उससे बचाव की क्या उपचार किए जा सकते हैं उन तमाम बातों की जानकारी बच्चों को दी जाए, शिक्षकों को दी जाए, ताकि जागरूकता का एक माहौल फैले। इसमें कोई दो राय नहीं है कि H1N1 का जो वायरस है वो समय समय पर अपना स्वरूप को बदलता रहा है, लेकिन इसके लक्षण हमेशा समान रहे हैं, इससे बचाव के जो तरीके हैं वो हमेशा समान रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये प्रयास किया जा रहा है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से और साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से कि जागरूकता को एक अभियान बनाया जाए, आम लोगों तक इस बात का को पहुंचाई जाए कि शुरुआती लक्षणों को देख करके घरेलू उपचार के ऊपर निर्भर न रहें, तुरंत जो निकटवर्ती चिकित्सालय है वहां पर पहुंचे, डॉक्टरों की सहायता ले और जो स्क्रीनिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। साथ ही साथ चिकित्सा विभाग ने ये सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि अगर स्वाइन फ्लू का कोई भी सस्पेक्ट सामने आता है तो उसकी रिपोर्ट अगले 24 घंटे में मरीज को मिल जानी चाहिए, यानी इस बात की पुष्टि हो जानी चाहिए कि संबंधित मरीज में जो लक्षण नजर आ रहे हैं वो स्वाइन फ्लू ही है या नहीं। तो तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं, आइसोलेशन वार्ड यहां पर तैयार है, साथ ही साथ अन्य जो उपचार किए जाने चाहिए, चाहे मास्क की बात कर लेते हैं, टेमोफ्लू टैबलेट की बात कर लेते हैं, ये तमाम जो दवाइयां हैं इनकी उपलब्धता हो ये सुनिश्चित करने का प्रयास चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अजमेर में करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में ही स्वाइन फ्लू को लेकर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा हालात खराब हुए हैं, तो ऐसे में जो चुनौती है वो स्वास्थ्य महकमे के आगे बेहद बड़ी है। हमारे साथ कोटा से मुकेश भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश, कोटा में किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब स्वाइन फ्लू का वायरस एक्टिव होता है तो अतिरिक्त वार्डों की व्यवस्था की जाती है, बेड्स लगाए जाते हैं, कोटा के अस्पतालों में क्या कुछ अतिरिक्त व्यवस्थाएं इस बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए की गई है? चलिए, मुकेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से मुकेश आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, अतिरिक्त व्यवस्थाओं की बात जो कि मुकेश से हमने सवाल पूछा था, राजधानी में क्या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी देखने को मिल रही है, और साफ तौर पर यह भी एक खास बात है क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जब पिछले बार एक्टिव हुआ था, अगर सर्दी के मौसम की बात की जाए, पिछले सीजन में देखा गया था कि टेमीफ्लू दवा की बेहद किल्लत हो गई थी प्रदेश के तमाम अस्पतालों में, और ऐसे में इस दवा के अभाव में भी कई लोगों ने दम तोड़ दिया था। ऐसी स्थिति वापस ना बने इसे लेकर क्या कुछ पहले से तैयारियां की गई हैं, अतिरिक्त स्टॉक मंगा लिया गया है? पूजा, जहां तक तैयारियों का और अतिरिक्त व्यवस्था का सवाल है, उसमें हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार खुद जो मंत्री हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जब वो स्वास्थ्य भवन ना पहुंचे और अपने संबंधित अधिकारियों के साथ में और जो फील्ड में टीमें गई हुई उनके साथ में संवाद ना किया गया हो। जहां तक अतिरिक्त व्यवस्था की बात है, SMS मेडिकल कॉलेज की तरफ से डायरेक्शन दिए गए हैं कि जितने भी संबंधित अस्पताल हैं, ना सिर्फ SMS अस्पताल बल्कि अन्य जो सरकारी अस्पताल है वहां पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। दूसरी खास बात यह है कि जैसे ही कोई लक्षण सामने आते हैं, कोई सस्पेक्टेड मरीज ऐसा सामने आता है, तो उसका ट्रीटमेंट तो किया ही जाता है, उसकी जांच तो की जाती है, साथ में उसके घर पे पहुंच के जो टीमें हैं वो उस क्षेत्र विशेष में जाती हैं, उसके घर के आसपास के जो लोग हैं उनको भी जो टेमीफ्लू की दवाइयां हैं वो वितरित की जाती हैं, ताकि एक अतिरिक्त तैयारी कर ली जाए। प्रोटोकॉल में भी यही आता है कि अगर स्वाइन फ्लू का कोई पॉजिटिव मरीज पाया जाता है, जिस क्षेत्र में पाया जाता है, ना सिर्फ उसके घर में बल्कि उसके घर के आसपास के तकरीबन 10 से 20 घरों में टेमीफ्लू की जो दवाई है वो बांटी जाती है और उनका ध्यान भी रखा जाता है। और खासतौर पर
मरीज को एक तरह के आइसोलेशन में, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये एक तरह तैयारियों की बात है जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाइन फ्लू को लेकर मॉनिटरिंग कितनी हो रही है, क्योंकि लगातार जो दिशा निर्देश है वो इस स्तर पर जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन धरातलीय स्तर तक उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के अभाव में वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म डॉक्टर रघु शर्मा की तरफ से बनाया गया है कि जो खास टीमें हैं वो लगातार अपनी हर एक छोटी छोटी रिपोर्ट को ना सिर्फ मंत्री तक पहुंचा रही है, बल्कि जो संबंधित अधिकारी नियुक्त किए गए उन तक हर रिपोर्ट को शाम को साझा किया जा रहा है, और इन तमाम रिपोर्ट्स को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं खुद हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर रघु शर्मा। आज भी ये बात सामने आ रही है कि अजमेर वो पहुंचे हुए हैं, वहां के जो सरकारी अस्पताल है वो वहां पहुंच सकते हैं, और ना सिर्फ मौसमी बीमारी स्वाइन फ्लू और अन्य बीमारी को लेकर बल्कि तमाम व्यवस्थाओं को लेकर वो जायजा भी ले सकते हैं। बात करें उच्च अधिकारियों की, चाहे वो पीएचएस की मैं बात करूं, चाहे एनएचएम के जो डॉक्टर समित शर्मा है मिशन निदेशक उनकी बात करूं, सभी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो एक बड़ी मुसीबत है इस वक्त स्वाइन फ्लू है स्वास्थ्य महकमे के सामने। और डॉक्टर रघु शर्मा ने इस बात को साफ भी कर दिया है हेल्थ मिनिस्टर ने कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ में, जैसे वो भ्रष्टाचार को लेकर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो स्वाइन फ्लू है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इलाज से ज्यादा, प्रिकॉशन से ज्यादा सबसे अधिक जरूरत है लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, स्वाइन फ्लू को लेकर सही जानकारी पहुंचे कि समय रहते अगर आप इसका उपचार कराते हैं, लक्षण सामने आ जाते हैं, तो स्वाइन फ्लू से निजात पाई जा सकती है। बड़ी जिम्मेदारी भी है, बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि हाल ही में पदभार ग्रहण किया है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने, और ऐसे में स्वाइन फ्लू ये बड़ी चुनौती उनके लिए बन चुका है, और इन परिस्थितियों से पार पाना भी, क्योंकि आगे हालात खराब ना हो, बेहद जरूरी हो जाता है। कोटा से मुकेश अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश, कोटा में क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं, अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, प्रदेश के तमाम जिलों से जब स्वाइन फ्लू पॉजिटिव के मामले सामने आने लगे तो जिले का जो चिकित्सा महकमा था वो भी अलर्ट हुआ है। तमाम तरह के प्रयास यहाँ पे किए गए हैं, क्योंकि कोटा जो है स्वाइन फ्लू के मामले में जिस तरीके से पिछले साल जिस तरीके का आंकड़े आया है वो बहुत ही भयानक आंकड़े थे। करीब 3 दर्जन जो मरीज थे वो स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से काल का ग्रास बने थे। सबसे ज्यादा जो प्रभाव इसका देखा गया था कोटा और बारा, दो जिले ऐसे थे जहाँ स्वाइन फ्लू का प्रभाव जमकर देखा गया था। पिछले साल की बात करें करीब 400 पॉजिटिव मरीज जो थी कोटा संभाग में आए थे। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से यह स्वाइन फ्लू का वायरस है जो सर्दी के अलावा भी जो है अपना ट्रेंड बदल रहा है। पिछले साल की बात करें तो बारिश के बाद जो है स्वाइन फ्लू के वायरस ने जमकर तांडव मचाया था। तो स्वाइन फ्लू के वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा पहले से अलर्ट मोड पर है। अभी शुरुआत साल की बात करें तो 2 मरीज जो है वो स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आए हैं, उनके घरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके अलावा जागरूकता अभियान जो है चिकित्सा महकमे की तरफ से चलाया जा रहा है, लोगों में जागरूकता फैले, चूंकि स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वो जानलेवा नहीं है। ये लोगों के मन में समझने की जरूरत है कि स्वाइन फ्लू जो है जानलेवा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है। समय पर जो है चिकित्सक का इलाज मिल जावे, समय पर आदमी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है, और यही वजह है कि बेहद गंभीरता से स्वाइन फ्लू के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा रही है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही बरतता हुआ चिकित्सा महकमा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। देखने वाली बात होगी कि मरीजों की इस बढ़ती हुई संख्या पर लगाम लगाने में कितना कामयाब चिकित्सा विभाग हो पाता है। शुक्रिया मुकेश।